ओम शांति। आज बाबा के 4 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कलम सबने वरदानी दिवस पर खुश रहने का संकल्प किया, जिन्होंने स्वमान का अभ्यास किया, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशियाँ बांटी, दूसरी आत्माओं के साथ भी खुश मिजाज होकर मिले। होमवर्क करने से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये परमात्मा द्वारा दिया गया विशेष अभ्यास कार्य है जो हमारे मन बुद्धि को व्यर्थ से बचाता है। अहम और वहम को त्यागने की बात भी बाबा ने विशेष कही थी कल। जिन्होंने भी अभ्यास किया, सभी बिगिनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं किया वो आज दृढ़ संकल्प करेंगे कि प्रतिदिन की मुरली से हमें कोई एक बात स्वमान के रूप में दिन में अनेक बार प्रैक्टिस करनी है, मुरली पूरी सुननी है। कोई एक बात को हम अपनी डायरी में लिख लेंगे और उसको बार बार दोहराएंगे। मनोविज्ञान है ये कि जब आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो आपके सबकॉन्शियस तक चली जाती है, आपकी स्थिति को बनाने में बहुत मदद करती है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सबसे पहले बाबा का शुक्रिया करेंगे, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया, जो परम धाम से आकर हमें हर रोज़ पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे कहकर, अपना बनाकर उन्होंने हमें जीना सिखाया। शुक्रिया करेंगे हम अपने इस तन और मन का, जिसमें बैठकर हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, योग अभ्यास करते हैं। भले ये तन पुराने हैं, अस्वस्थ भी हो जाते हैं, फिर भी इस तन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का। शुक्रिया करेंगे हम अपने साथियों का, जिनके साथ मिलकर हम कार्य करते हैं। वो जो हैं, जैसे हैं, उन्हें स्वीकार करते हुए हम उनका भी थैंक्स करेंगे। प्रकृति का भी शुक्रिया करेंगे। प्रकृति हमारी आदि से ही पालना करती आ रही है, सतयुग से ही उसने हमारी माँ बनकर बहुत अच्छी पालना की है, उसका भी थैंक्स करेंगे। बहुत अच्छा थैंक्स करेंगे हम अपने विरोधियों का, जिन्होंने हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न की ईश्वरीय मार्ग पर चलने में, और उन्हीं की वजह से हमारा प्रभु से प्यार बढ़ा, हम प्रभु के समीप आ गए, वो भी हमारे लिए वरदानी बन गए। अभी शुक्रिया दिवस पर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि बच्चे, बाबा किन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, किन्हें देखकर खुश होते हैं। ऐसे तो भगवान अपने सभी बच्चों को देख के खुश होते हैं, लेकिन जो बच्चे बाबा की सेवा के लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं, उन्हें देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। हमें हमेशा बाबा की सेवा के लिए तैयार रहना है। जी बाबा, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे जो तैयार रहते हैं, फॉलो फादर करते हैं, पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, उन्हें देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, बाबा बच्चों का श्रृंगार करने आए हैं। ये रूहों का श्रृंगार है, आत्माओं का श्रृंगार है, जो परमात्मा प्रतिदिन ज्ञान और योग से कर रहे हैं। इस श्रृंगार को खराब नहीं करना। जब हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो ये श्रृंगार खराब हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, मनन करने से मगन अवस्था का अनुभव करो, ज्ञान की बातों का अच्छे से मनन करो, स्वमान का मनन करो। स्वमान है जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्विघ्न आत्मा हूँ, रूहे गुलाब हूँ, पवित्रता का अवतार हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा ने जो भिन्न भिन्न स्थितियाँ बताई हैं, स्वमान दिए हैं, ज्ञान की स्मृतियाँ दिलाई हैं, उनका मनन करके मगन हो जाना है।
जितना जितना आप मनन करते हैं उतना मगन हो जाते हैं। फिर बाबा ने आज्ञाकारी बच्चों को याद किया और उनके लिए भी खास बात कही। क्या कही अब हम अटेंशन से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। बेहद का बाबा किस लिए आया है? तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। क्वेश्चन है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद बाप को बहुत खुशी होती है। बाबा की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत करके ऊंच पद पाएं। बाबा चाहते हैं कि अभी मेहनत करें, इस एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई जमा करें, ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे। कितना प्यारा शब्द है बाबा का, मीठे मीठे बच्चे। जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद बाप को बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। बाबा रोज रोज सावधान करते हैं कि मेरे बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है, तो बेहद के बाप की इच्छा रहती है बच्चों को ज्ञान योग के गहनों से सदा श्रृंगारे हुए रहना है। तुम्हें दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। ब्रह्मा बाबा भी श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा भी श्रृंगार करते हैं, हमारे दोनों पिता अलौकिक और पारलौकिक पिता हमारा श्रृंगार करते हैं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हें देखकर गाया जाता है फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है, एक है रूहानी बाप, दूसरा है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब बट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला था। शुरू शुरू में बाबा ने तपस्या कराई और सभी बच्चों का फोटो लिया, एक में तपस्या करते हुए और एक में श्रृंगारे हुए श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो बाबा ने कहा, उस फोटो के अंदर आपका लाइट का ताज था। ये जो लाइट का ताज है ये प्योरिटी की निशानी है। बिगिनर्स ध्यान देंगे, दो ताज दिखाते देवी देवताओं को, एक रतन जड़ित ताज और दूसरा लाइट का ताज। रतन जड़ित ताज सुख संपदा की निशानी है, वहाँ पर बहुत अच्छे से धन धान्य से संपन्न होते हैं, उसकी निशानी है। और जो लाइट का ताज है वो प्योरिटी का सिंबल है। बाबा ने कहा, बाबा ने फोटो निकलवाए थे सबकी, ये लाइट का जो ताज है पवित्रता की निशानी है जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, ये पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते, पहले पहले तुम सतयुग में आते हो, गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सद्गुरु मिला दलाल। आपके लिए गायन नया हो सकता है, हम आत्माएं परमात्मा से बिछुड़ी परम धाम से, पहले सतयुग में आई, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, संगम युग पर हमारा बाबा से मिलन हुआ 5000 वर्ष के बाद। लेकिन ये मेला कब लगा? जब हमें बीच में ब्रह्मा बाप मिला, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। इसी संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा ने कहा, ये गायन आप बच्चों के लिए है। पहले पहले तुम सतयुग में थे, तुम ही थे ना, याद दिला रहे हैं बाबा। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर बदलते रहते हैं। बाबा कहते, आप ही थे ना, तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुम्हें ही जाना है, मुक्ति धाम के गेट भी तुम्हें खोलने हैं। तुम बच्चों को बाबा श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं, इस समय तुम्हें साधारण रहना। अटेंशन देने वाली बात,
बाबा कहते हैं संगम युग पे आप तैयारी कर रहे हो सतयुगी दुनिया में जाने की, तो संगम युग पे आपको बहुत सिंपल रहना है, ना बहुत हाईफाई ना बहुत लो, मध्यम स्तर का बन के रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाबा कहते साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। सदगति दाता कौन? एक निराकार परमात्मा। ब्रह्मा भी कोई परम पिता नहीं है, ब्रह्मा से योग नहीं लगाना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, सदगति दाता एक शिव बाबा है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा भी बिंदी है, आत्मा भी स्टार मिसल है, उस बिंदी को ज्ञान सागर कहते हैं। तुम भी छोटी सी बिंदी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पासविद ऑनर होते हो, इस समय आप पूरा ज्ञान लेते हो, ज्ञान सागर से पासविद ऑनर होते हो। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परमात्मा। आत्मा परम धाम से आती है, जैसे दोनों का रूप एक जैसा है, गुणों और शक्तियों में अंतर है। दोनों का रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। और छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बचाने। बाबा कहते मैं भी वहां से आता हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सब मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाबा आते हैं, ज्ञान की बरसात बरसाते हैं तो उससे आप पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। आपके लिए नई चीज़ है ये, गति का मतलब परम धाम में जाना, सदगति मतलब सतयुग में जाना। संगम पर जो आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं वो आत्माएं पहले घर जाएंगी फिर सतयुग में आएंगी। कुछ भक्ति वाली आत्माएं हैं वो केवल घर जाएंगी, उनकी सतयुग में आने की इच्छा नहीं होती है। तो बाबा गति सदगति दाता है। अब हम जाते हैं अपने स्वीट होम। बाबा कहते अब सिक्के लदे बच्चों को वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है, अपने घर जाना है, परम धाम में जाना है। तो कैसे जाएंगे? पावन जरूर बनना है, पवित्र बने बगैर तो जा नहीं सकते। बाबा सबको ले जाने आए हैं। भक्ति में भी शिव की बारात का गायन है। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अब तुम शिवालय में जाने के काबिल बनो। कैसे बनेंगे? याद के द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र घूमता रहता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण जी ने चक्र घुमाया, ये स्वदर्शन चक्र है। परिस्थितियाँ तो आनी है एक के बाद एक, उस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये स्वदर्शन है। वैसे भी हमें स्वदर्शन कराया बाबा ने, क्या कराया? क्या परम धाम से पहले आए तो यहाँ सतयुग था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 1250 वर्ष आपने वहाँ राज्य किया। फिर त्रेता युग आया, वहाँ श्री सीता श्री राम जी का राज्य था, वहाँ भी 1250 वर्ष रहे। दोनों युगों में संपूर्ण सुख शांति थी। द्वापर में हम भक्ति मार्ग में आ गए, द्वापर में चार धर्म हो गए, कलयुग आया अनेक धर्म, फिर अब संगम युग है, फिर से हमें घर जाना है और सतयुग में आना है। ये पूरा स्वदर्शन चक्र है, जिसका चिंतन करने से परदर्शन समाप्त हो जाता है। बाबा कहते भी पुरुषार्थ करेंगे ना तो कल्प कल्प अच्छा करेंगे। इस बात को हम समझेंगे, अगर अभी पुरुषार्थ अच्छा किया, हर 5-4 वर्ष के बाद आपको अच्छे पुरुषार्थ का रिजल्ट मिलना है। अब अगर फेल हो गए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, इसलिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की पढ़ाई है, ध्यान देना है। संगम युग पर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सतयुग त्रेता दो युगों तक ये पढ़ाई काम आएगी। ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण हैं, ये भी मनुष्य हैं परंतु ये दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ तुम कल्प कल्पांतर की कमाई जमा कर रहे हो। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं। मनुष्य दुख में आंसू बहाते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो रोते हैं। बाबा कहते रोने की आवश्यकता नहीं, आपको तो समझ है आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। उसके लिए फिर बाबा ने कहा आंसू आया तो फेल,
अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। ये बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी शरीर छोड़े, हमें एकरस स्थिति में रहना, सचमुच हलवा नहीं बनाना लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हलवा जरूर तैयार रखना है, तैयार रहना है। कभी कुछ भी हो सकता है, अचानक कोई भी शरीर छोड़ सकता है, क्योंकि पांच तत्वों से बनी देह है, देह विनाशी है। कोई भी दृश्य देखकर विचलित नहीं हो जाना, ऐसे दृश्य में दो शब्द याद कर लेंगे, बाबा और ड्रामा, जिसका जहाँ तक पार्ट है कोई एक मिनट भी बढ़ा नहीं सकता। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो कि आत्मा ने शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फ़ायदा। कहते इन्हें काल खा गया। कहीं कोई ऐसा दुख का होता है तो बहनों को बुलाते हैं कि इन्हें समझाओ, योग कराओ, योग बल से ताकत आ जाती है, समझ आ जाती है कि आत्मा तो मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। अपने समय पर शरीर छोड़ते हैं, सत्युग में कभी कोई रोते नहीं है, वहाँ पर तो खुशी खुशी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाकी काल कोई चीज़ नहीं, सत्युग में गर्भ महल होता है, वहाँ सजा की बात नहीं। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, तुम्हें कोई विकर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। संगम युग पे पाप कर्म करेंगे तो भविष्य में उच्च पद नहीं हो सकता। कर्म सुकर्म होते हैं संगम युग पर, अकर्म होते हैं सतयुग में, द्वापर में विकर्म बन जाते हैं। इस समय बाबा कहते, बाबा की याद में आप श्रेष्ठ कर्म करो, कोई भी विकर्म नहीं करना। आत्मा को शुद्ध बनाना है। आत्मा रूपी सुई पर अगर कट चढ़ी होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। आत्मा के ऊपर अगर विकारों की मैल है तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती है चुंबक खींचेगा। बाबा कहते तुम्हें प्योर बनना है योग बल से। जैसे लौकिक बाप बच्चों को देख के खुश होते हैं, बेहद का बाप भी खुश होते हैं बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सेवा में एवरेडी रहना है, बाबा की सेवा के लिए सदा तैयार रहना है। अभी तुम बच्चे भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कर रहे हो, तुम्हें बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, ये संगम युग है। बाबा कहते इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाबा आकर बच्चों को बहुत प्यार से प्यार का सागर बनने की बात समझाते हैं। शुरू में कई आए फिर छोड़ के चले गए, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए। अब बाबा कहते बाबा तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो, बाबा को छोड़कर नहीं जाना। कोई कोई फिर उलाहना देंगे कि हम पता ही नहीं चला, तुम सबको बताते हो फिर भी कोई कोई छोड़ के चले जाते हैं। कोई कोई बाबा को छोड़ देते हैं, मुरली सुनना छोड़ देते हैं, मुरली सुननी छोड़ दी, योग करना छोड़ दिया, नियमों को तोड़ दिया। ऐसी आत्मा को बहुत पश्चाताप होता है। डरने की बात नहीं, पर बाबा सावधान कर रहे हैं कि बच्चे बाबा को पहचान लिया, अब बाबा का बनकर बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो, कहते हाँ बाबा 5 वर्ष पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं। बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है, तुम्हें औरों की भी भरनी है, कोई भी मिले उनको भी संदेश देना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा आज की मुख्य बात? स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई में बहुत रेगुलर बनना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं, वनवाह में रहना है, बहुत साधारण, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापिस जाने के लिए आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ, मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन मनन शक्ति है। भावनिका, सवेरे सवेरे स्वमान में स्थित हो जाओ, मनन करो, आपका मन शक्तिशाली बन जाएगा। शक्तिशाली मन और बुद्धि को माया हिला नहीं सकती। माया जब आती है तो पहले आपकी बुद्धि पर प्रहार करती है, बुद्धि को कमजोर करती है। इसलिए मनन करते करते मगन हो जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ। बहुत सुंदर स्लोगन है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज हम अब अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने तेजस्वी रूप को देखें। सभी शक्तियों से संपन्न मैं तेजस्वी आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूं। जो शक्तियां परम पिता में है वही मुझ में है। बाबा की किरणों को अपने में आता देखें, स्वीकार करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सारे जग का करणधार हो मुरली की।